नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। चैनल नंबर 10 पर हाजिर है हम लेकर अपना अगला लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि है सोशल साइंस का। और आज इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और ये इसका पार्ट 3 है, यानी कि आप इसके भाग 1 और भाग 2 पहले पढ़ चुके हैं। बट बिफोर वी बिगिन दिस सेशन, आई वुड लाइक टू शेयर द अनाउंसमेंट विच इज़ रिलेटेड टू G20। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or we can say the world is one family. सो विद दिस पॉजिटिव नोट वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन। जैसा मैंने आपको बताया, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस वुड बी द लाइव इंटरेक्टिव सेशन। आप अगर चाहें तो हमें 8800440559 पर फोन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, बेहिचक नंबर डायल करें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सीधे संवाद करें, अपने प्रश्न का उत्तर जानें। हमारे साथ श्री सुशील कुमार जी हैं। आप PGT हिस्ट्री हैं, KV आसनसोल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी, और पीएम ई विद्या चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के सेशन 3rd जी। तो भाग 1-2 में हमने क्या पढ़ा था वो जरा बच्चों के लिए रीकैप करें आप, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा, सो दैट जो हमारे आज के जो हमारे दर्शक हैं दे कैन कनेक्ट विद द पार्ट 3 ऑफ दिस सेशन। जी बिल्कुल राहुल जी, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों एक अच्छा कह सकते हैं संयोग रहा है हमारा कि हमें लगातार 3 सेशन करने का मौका मिला है, जिसके कारण तीनों जो हमारा पार्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का, हमने एक कंटिन्यूएशन में इसे कंप्लीट किया है। बच्चों अभी तक के 2 सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था आप एक बार देख सकते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट का अर्थ समझा था, फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन विच वे ट्रांसपोर्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, ये भी हमने डिस्कशन किया था। देन वी हैव डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ रोडवेज, देन वी हैव आल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रोडवेज। इन दिस टॉपिक वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाई स्टील रोडवेज इज हैविंग एज ओवर ऑल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देन इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड द इंडियन railways, its merits and challenges, then distribution of water network in India, and then distribution of airways in India. इन सभी टॉपिक्स पे हम लोगों ने लास्ट 2 सेशन में डिस्कशन किया है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों जैसे कि पर्टिकुलरली इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, water transport and air network in India. Today we'll proceed with the last topic. हम लोगों ने जो last topic पे जो चर्चा की थी उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। First of all, we will discuss the advantages and disadvantages of water transport and air transport. Then we will discuss the meaning of communication and various means of communication. Finally, at the last, we will discuss about the tourism and we'll see how tourism acts as a trade activity and what are its significance for the economy of our country. So let's go ahead. So starting with the advantages of waterways or the water transport. Bachchon, aksar ye kaha jata hai ki water transport is the slowest mode of transport. No doubt it is one of the slowest mode of transport, but when we talk about carrying of bulky goods and goods in the large quantity at very low cost, it is the water transport which is the best mode of transport. ये थोड़ा धीमा तो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर भारी भरकम सामानों को ढोने की बात करें या बहुत बड़े मात्रा में सामानों को अगर कैरी करने की बात करें तो वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बेहतर कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। सेकेंड एडवांटेज, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है एनवायरमेंट के नजरिए से भी काफी हद तक
एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है एंड काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है। देन किसी भी देश के डिफेंस के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही कह सकते हैं आप नेसेसरी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। किसी देश की बॉर्डर की सुरक्षा, अगर उस देश का नेवल डिफेंस, अगर नेवल फोर्स अगर स्ट्रोंग ना हो तो उस देश की सुरक्षा पे सेन पड़ जाती है। राहुल जी, हिस्ट्री में एक समय कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जब एक समय की बात थी जब फ्रांस और इंग्लैंड पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, उस समय जहां फ्रांस को एक तरीके से सो कॉल्ड एम्परर ऑफ द लैंड कहा जाता था, तो इंग्लैंड को क्वीन ऑफ द ओशन कहा जाता था। ओशन में इंग्लैंड से मुकाबला करने की शक्ति किसी भी देश में नहीं थी, और उसी समय अगर हम बात करें तो लैंड पे फ्रांस से टकराने वाला कोई देश नहीं था। ये एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि समझ सकते हैं आप वाटर ट्रांसपोर्ट किसी देश के डिफेंस के लिए कितना जरूरी होता है। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इज कंडक्टेड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। दुनिया भर के किसी भी देश की बात करें, अगर विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्सा वाटर ट्रांसपोर्ट के मोड से ही कंडक्ट होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होती है, साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में सामान को भी कैरी कर सकते हैं और बल्कि गुड्स को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर के फॉरेन ट्रेड का अधिकांश हिस्सा वाटर ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल आता है। आइए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कुछ कमियों की भी बात करते हैं। जैसा कि पहले ही डिस्कशन किया जा चुका है, इट इज द स्लोवेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर किसी को इमरजेंसी में ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करें तो उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। इसके साथ ही साथ इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर इंटरनल ट्रेड और स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे व्यापार के लिए या देश के आंतरिक हिस्सों के लिए भी वाटर ट्रांसपोर्ट सुटेबल नहीं है। आप देख सकते हैं राहुल जी, जिस तरीके से इकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस तरह से नदियां सूख रही है, तो वाटर बेस लगातार श्रिंक कर रहे हैं। अब देश के आंतरिक हिस्से एक समय हुआ करता है, जो चाहे दुनिया भर का अलग अलग देश हो या देश के आंतरिक हिस्से हो, वो वाटर बेस से पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। But the way the rivers are shrinking, the water transport is going to be very difficult for the connection of a country or a country, a different part of the country, you can say. Now, traveling on water transport is extremely difficult for the health also. Few problems such as excessive sweating, sleep disruption and water intoxication are the major challenges if you are traveling on a ship. अगर आप जहाज पे सफर कर रहे होते हैं, अगर आपने जर्नी की होगी तो निश्चित रूप से ये महसूस किया होगा कि ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ऑलमोस्ट सभी ट्रेवलर्स को फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा द फियर ऑफ ships sinking is always a great concern in water transportation. अगर हम समुद्र के यात्रा कर रहे हैं तो अक्सर बच्चे न्यूज में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे नावों के डूबने की घटना, जहाजों के डूबने की घटना। मौसम जो खराब रहता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। इस पे राहुल जी आपको याद होगा एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड की मूवी भी बन रखी है टाइटैनिक, जो इतने मंजिला इतना बड़ा जहाज था उसे भी डूबते हुए देर नहीं लगा। So sinking of ships is also a major concern for water. प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है, ऐसा कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो ये बात सही कहा आपने कि वाटर ट्रांसपोर्ट में ये कंसर्न तो बना ही रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के थोड़े नेटवर्क के बारे में भारत में चर्चा कर लेते हैं। एज वी ऑल नो, बच्चों ने 9th की ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, इंडिया इज ए वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर। भारत में जो तटीय रेखा है, जो कोस्टल बाउंड्री है, इट इज अलमोस्ट 7516 किलोमीटर। एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज डॉटेड विद
12 major and 200 minor या you can say major intermediate ports. भारत में 12 major sea ports हैं और 200 जो है minor और intermediate ports भी हैं. कुछ sea ports के बारे में हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही important हैं. One is Kandla, which is in Kutch, Gujarat, was the first port developed since independence to ease the volume of trade on Mumbai seaport. It is a tidal port. देखिए, Mumbai seaport is one of the oldest seaports of India. और आजादी के समय तक Mumbai seaport पे जो transportation है, जो traffic है, उसपे बहुत ज़्यादा हो चुका था. तो उसके लोड को कम करने के लिए गुजरात के कच्छ के कांडला में एक सीपोर्ट डेवलप किया गया था जो विंध्याचल सीपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है आसानी से किया जा सके. इसके अलावा मार्मगोवा पोर्ट ऑफ गोवा इज द प्रीमियर पोर्ट नोन फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर. आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग के लिए गोवा का जो है मार्मगोवा सीपोर्ट जाना जाता है. इसके अलावा जब हम मुंबई सीपोर्ट की बात करें, इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट with a spacious, natural and well-settled harbor. There is a picture of a seaport in India. आप देख सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े कंटेनर हैं. ये आपको अनुमान लगाया, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट से जो है बल्कि गुड्स को कैरी करने के लिए या लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को कैरी करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट कितना कारगर ऑप्शन होता है. जी बच्चों, इस मैप में आप देख सकते हैं भारत के जो मेजर सीपोर्ट्स हैं और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. इसमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं अमृतसर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उसके तुतिकोरिन, ये तो दिखाया गया है. इसके अलावा जो सीपोर्ट्स भी हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया हुआ है. आप देख सकते हैं कांडला हो या मुंबई का जो है जवाहरलाल नेहरू सीपोर्ट हो, उसके अलावा मार्मगाओ का जो है सीपोर्ट हो, न्यू मैंगलोर का सीपोर्ट है, कोची का सीपोर्ट है, विशाखापट्टनम का सीपोर्ट है, सभी जो सीपोर्ट्स हैं भारत के पारादीप के सीपोर्ट्स हैं, हल्दिया का सीपोर्ट है, सभी दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत के पूरे कोस्टल रीजन्स में सीपोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एयरवेज. Airways is the fastest mode of transport and very suitable for the movement of goods and passengers for long distances. देखिए, क्योंकि ये fastest mode of transport है, इसीलिए चाहे वो सामान भेजने की बात करें हम या passengers के travelling की बात करें, longer distance के travelling के लिए या सामान को carry करने के लिए air transport जो है fastest mode. क्योंकि it take less time. That's why the journey in the airways is very much longer. क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जर्नी में बहुत सफोकेशन का प्रॉब्लम पहनना पड़ता है, झेलना पड़ता है. So that's why because it take very less time, the people who travel through the airways feel very comfortable during the air transport. It is the most reliable mode of transport. भारत जैसे देश में एक समस्या तो है, चाहे हम रेलवे की बात करें, रोडवेज की बात करें, तो समय बहुत लग जाता है. आप देखेंगे रोड पे ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, रोड पे ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है, रेलवेज में लगातार लेट चलने की शिकायत होती है. इस नजरिए से अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आपको कोई इमरजेंसी भी कोई काम है तो आप एयरवेज पे तुरंत अपने काम को निपटा सकते हैं, तुरंत आप देश के किसी भी हिस्से से कनेक्ट हो सकते हैं. और वैसे भी ये तो सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफिकल्ट टेरेंस एंड डाइवर्स टोपोग्राफी. राहुल जी, हमारा देश एक डाइवर्स टोपोग्राफी है. जी, भारत में डेजर्ट्स भी हैं, भारत में आइलैंड्स भी हैं, भारत में माउंटेन्स भी हैं, तो प्लेटूज भी हैं, भारत में मडी एरियाज भी हैं. जी, यानी भारत कह सकते हैं एक मिनी वर्ल्ड जहां सभी तरह के डिफिकल्ट टेरेंस पाए जाते हैं. जी, और कुछ ऐसे डिफिकल्ट टेरेंस हैं जैसे माउंटेनियस एरिया हो गया, प्लेटूज वाला एरिया हो गया, या मडी टेरेंस की अगर हम बात करें, इन पे एयरवेज के अलावा दूसरी कोई भी ट्रांसपोर्ट मोड को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है. जी, लेकिन फिर भी अब ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा विमानपत्तन मंत्रालय है उसके साथ एविएशन मिनिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है. और अब तो तकरीबन 148 हवाई अड्डे हैं हमारे पास डोमेस्टिकली, यदि हम बात करें तो.
तो मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ रहा है एयरवेज का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी यही कारण है ना कि आप अभी भी देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कीजिए, आप अंडमान निकोबार की बात कीजिए, आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, इन जगहों पे जाने के लिए तो आज के डेट में एयरवेज सबसे सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा भी जिस तरीके से, जिस रफ्तार से नंबर ऑफ एयर नेटवर्क जो है एक्सपेंड कर रहा है, छोटे से छोटे शहर एयर ट्रांसपोर्ट के जद में आ रहे हैं, के परिधि सर्कमफेरेंस में आ रहे हैं, जिसके कारण जर्नी करना लोगों के लिए काफी एक्सेसिबल है। बिल्कुल। एंड वन ऑफ द लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एयरवेज इज इट इज वेरी इंपोर्टेंट ड्यूरिंग डिजास्टर एंड फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री। आज देखिए, अक्सर फ्लड की समस्या आ जाती है या जॉब की समस्या होती है, वहां पे हमारे इंडियन जो एयर फोर्सेस हैं बहुत ही काबिले तारीफ उनका योगदान रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है डिजास्टर प्रोन एरिया में। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ऐसे लोगों को जो संकट से घिरे हैं। जी नाउ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी हालांकि आपने राहुल जी बोला कि जिस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, नो डाउट तेजी से बढ़ रहा है, बट स्टिल इट इज द कॉस्टलियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। राइट। आज भी ये बहुत कॉस्टली है और इट इज नॉट इजीली अफोर्डेबल बाय कॉमन। राइट। आम लोगों के द्वारा ये आसानी से अफोर्डेबल नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी इन एयरवेज इज कंपेरेबली वेरी लो टू रेलवेज एंड वाटरवेज। अगर स्टोरिंग कैपेसिटी की भी बात करें तो रेलवे और वाटरवेज की तुलना में उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम। देन एक बात गौर की होगी, बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में। आपको अगर एयर से जर्नी करनी हो तो आपको घर से 3 घंटे पहले निकलने पड़ते हैं। आपके मोबाइल पे बार बार मैसेजेस पिंग करता रहता है कि आप 2 घंटे पहले पहुंचिए और नहीं तो आपकी फ्लाइट छूट भी सकती है, क्योंकि देयर आर सेवरल बैरियर्स। आपके बैग की चेकिंग होती है, आपकी पर्सनल चेकिंग होती है, सो इट टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल विद द एयर। राइट। नेक्स्ट, इट इज नॉट सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मॉडर्न डेज। आज देखिए, लगातार सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं। आप रोडवेज की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप अगर रेलवेज की बात करें, आज हमारा पूरा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिक सिटी से जुड़ चुका है। ऐसे स्थिति में इतना महंगा फ्यूल का इस्तेमाल और इतनी बड़ी क्वांटिटी में फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो आज के नजरिए से सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को नहीं कहा जा सकता। एंड साथ ही साथ इट इज वेरी रिस्की इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और हमारा देश इसका गवाह है। हमारे देश की कई बड़े लोगों की एयर हादसा में मृत्यु हो चुकी है। जी। इसमें बचने की संभावना ट्रेवलर्स की बिल्कुल भी नहीं होती है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। जी। अब एक्चुअली जैसे कि हम चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर के दो पार्ट, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ इक्वली आर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। So we have discussed different aspect of the lifelines as in form of transportation. Now today we'll discuss about the communication. First of all, what is communication? So the process of expressing ideas or exchanging any information by speaking, writing or using some other medium is known as communication. हम आज आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों जो बात कर रहे हैं, आज भारत भर में बैठे हुए जो दर्शक हमारे आज का हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम अपने विचारों को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो एकेडमिक पढ़ाई चल रही है वो भी जो है बच्चों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। G20 जैसे बहुत बड़ा इवेंट हमारा देश होस्ट कर रहा है, इसकी सूचना आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं। So, चाहे वो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो, चाहे वो लोगों का आपस में बातचीत हो, ये सभी कम्युनिकेशन कहलाता है। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज मास कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज पर्सनल। जी, लेट सी व्हाट इज मास एंड व्हाट इज पर्सनल। बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन, अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और विच गिव्स सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट
among the large number of people at the time, ये हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है, चाहे वो entertainment के sources की बात करें, चाहे वो किसी information को share करने की बात करें, हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने का जो काम करता है, ऐसे जो media हैं, वो mass media कहलाता है। Information के अलावा ये जो है लोगों के बीच में awareness को भी फैलाने का काम करता है, सरकारी policies के बारे में, different government programs के बारे में भी लोगों को जागरूक करने का काम करता है। और आप देख सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन की बात करें, रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन होता है वो कॉमन होता है और ये हजारों लाखों लोगों तक एक ही बार में जाता है। जी, पर्सनल कम्युनिकेशन, टॉकिंग बिटवीन मेन टू मेन, एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन की शेयरिंग किसके थ्रू हो सकता है, मोबाइल फोन के थ्रू हो सकता है, लेटर्स के थ्रू हो सकता है, मेल्स के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या कुछ व्यक्ति आपस में भी संपर्क करते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज पर्सनल कम्युनिकेशन। आइए इस आधार पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के बीच में, उसको एक बार देख लेते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, वन पर्सन टू अनदर, जब हम डिस्कशन करते हैं तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। मास कम्युनिकेशन, इट इज द कम्युनिकेशन अमंग द पीपल, लार्ज नंबर में, बहुत बड़े लोगों को जब एक साथ जोड़ने का काम होता है तो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। सेकंड, इट प्रोवाइड नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल मेकिंग मेन एसो सलेम। आज आप देख सकते हैं, एक ऐसा भी जमाना हुआ करता था, हमें अपने भाइयों से, बहनों से, अपने मदर फादर पेरेंट्स से बात करने के लिए लंबे लंबे समय तक इंतजार करना। मैं राहुल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे एक समय याद है कि अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए सिडीबूथ जाना पड़ता था, महीने महीने के बाद महीने दिनों में हमें बात करनी। जब मोबाइल भी आया शुरुआत में, एक बार नोट इजिली अफोर्डेबल, तो किसी एक दोस्त के पास होता था तो उनके थ्रू हमें बात करने का मौका मिलता। जी बिल्कुल, लोगों को सोशल एनिमल बनाने में पर्सनल मीडिया का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल। जी, जब मास कम्युनिकेशन की बात करें, इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। अब पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, एसएमएस हैं, टेलीफोन, स्टडी, आईएसडी सर्विसेज। जबकि मास कम्युनिकेशन की बात करें, इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, पेजेस। Now, अब एक दो पॉइंट बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे बच्चों, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेड। ट्रेड होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स और कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। व्यापार कहते हैं वस्तुओं की अदली बदली, वस्तुओं एक हाथ से दूसरे हाथ तक वस्तुओं का पहुंचना, लोगों तक पहुंचना या राज्यों और देशों तक पहुंचना ट्रेड कहलाता है। Two forms of trade, one is international trade, जब एक देश का दूसरे देश के साथ, एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ जब व्यापार होता है, that is known as international trade. Local trade की बात करें, local trade में एक शहर का दूसरे शहर के साथ, गांव के साथ, कस्बों के साथ जो trade होता है, वो local trade. जब एक city दूसरे, एक state दूसरे state से भी जुड़ा होता है, वो भी local trade का part होता है. And trade के दो major components होते हैं, export and import. और यही हमें समझना है, जो ट्रेड के बैलेंस को फेवरेबल या अनफेवरेबल बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो द बैलेंस ऑफ अ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक देश का दुनिया के देशों में कितना एक्सपोर्ट होता है या वो दुनिया के देशों से कितना इंपोर्ट कराती है, दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड favorable balance sheet. जब हमारे देश भारत का export amount जो है import amount से ज्यादा हो, then it is known as favorable balance of trade and it is also known as trade surplus. On the contrary, when the value of imports exceeds, then the value of exports, it is termed as unfavorable balance of trade or you can say it is trade deficit. जब हमारा import जो है export से क्या हो, ज्यादा हो, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। आज के दिन में
हम निश्चित रूप से ट्रेड डेफिसिट के शिकार हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगातार प्रयास कर रही है कि भारत के इनपुट को बढ़ावा दिया जा सके, यही कारण है कि सीबीएसई भी लगातार वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। एनईपी जो बनी है, उस एनईपी में इस बात पे पूरा जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल ओरिएंटेड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि युवक के बाद वो अपने करियर की शुरुआत। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज हम आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत में टूरिज्म लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग टूरिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, लगातार देखेंगे छोटे छोटे जो बिजनेस को पलटने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है और दुनिया भर के देशों का कल्चर और हेरिटेज की जानकारी भी हमें मिल रही है। विदेशी यात्री जो है बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं, हमारे हेरिटेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में मेडिकल टूरिस्ट की बढ़ रही है। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी बड़े से बड़े हॉस्पिटल बहुत ही, अगर हम विदेशी देशों की तुलना में, वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही लो है, तो बड़ी मात्रा में मेडिकल टूरिस्ट भी हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं आपको कि आपने विस्तार पूर्वक कम शब्दों में अपनी बात रखी और पूरा चैप्टर आज जो है समाप्त किया और कई पहलुओं को आपने छुआ। मुझे लगता है कि बहुआयामी ये आज का जो हमारा सत्र था बच्चों के लिए जरूर लाभकारी होगा। सुशील जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने आज का सत्र पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हमारा ये जो है सेशन सोशल साइंस का हम यही समाप्त करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर द अनाउंसमेंट ऑफ G20। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leader summit in the country for the first time in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. विद दिस पॉजिटिव नोट हम अपना ये सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। आप हमारे तमाम और सेशंस के लिए जुड़े रहिए। अगला सत्र हम कक्षा 9 का लेकर अभी हाजिर होंगे। चैनल नंबर 9 पर देखते रहिए ई विद्या चैनल्स, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।